हमारा सौर मंडल, हमारा सौर मंडल जो है वह जिसमें सूर्य जो है वह प्रमुख है, इसके आसपास घूमने वाले जो है वह 8 ग्रह हैं, साथ में मंगल और बृहस्पति के बीच जो है वह क्षुद्र ग्रह जो है वह पाए जाते हैं। इससे इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो यह जो है वह ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह वह बुध होता है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र है। मंगल और शुक्र में जो है वह दूरी सबसे नजदीक पृथ्वी के शुक्र की है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वह वरुण है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वह वरुण ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वह बृहस्पति है। लगभग इसके 69 जो है वह उपग्रह जो है वह है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वह बुध तथा शुक्र जो है वह बिना उपग्रह वाला ग्रह है। लाल ग्रह तथा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह जो है वह मंगल को कहा जाता है, यह मंगल को कहा जाता है, और नीला जो है वह पृथ्वी को कहा जाता है। पीला ग्रह तथा हरा ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह जो है वह बृहस्पति को कहा जाता है, वहीं हरा ग्रह जो है वह अरुण को कहा जाता है। नेक्स्ट, भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को जो है वह कहा जाता है। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान क्रमशः क्या है? तो चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री होता है, वहीं रात का तापमान जो है वह -180 डिग्री होता है। सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास जो है वह 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड जो है वह सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का जो है वह उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस है मंगल का। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टीटोन है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो वलय युक्त ग्रह शनि है। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह बुध है, जो कि 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, जो कि सबसे अधिक लगाता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के विपरीत जो है वह शुक्र चक्कर लगाता है, और दूसरा जो है वह अरुण लगाता है। इन दो ग्रह को जो है वह थोड़ा झुका हुआ भी ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है, जिसे कि डोम स्टार भी कहा जाता है। सौर दिवस की अवधि क्या है? तो सौर दिवस की अवधि जो है वह 24 घंटे की होती है। सूर्य के केंद्र का सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के केंद्र का तापमान जो है वह 15 मिलियन डिग्री होता है, और वहीं जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यह इसके बाहर के सतह का तापमान होता है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड जो है वह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा कितना समय होता है? तो चंद्रमा का प्रकाश जो है 1.3 सेकेंड में जो है वह पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य का प्रमुख संघटक क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो है वह 74% है, और 26% जो है वह क्या है? तो यह हीलियम है। ठीक है, धीरे धीरे जो है ये 4 हाइड्रोजन कण मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो धीरे धीरे, और हीलियम जो है वह एक ठंडी है।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वह नाभिकीय संलयन है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखीय व्यास जो है वह 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? तो 12,713 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो यह 47 है। दोनों के डिफरेंस को करके देखेंगे तो हमें 43 मिलता है, यानी कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री जो है अपने धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन कितना कैसा है? तो पश्चिम से पूर्व जो है वो पृथ्वी घूमती है। सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है? तो सेंटोस जो है वह तारा मंडल सबसे बड़ा तारा मंडल है। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो यह स्पाइरल है। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है 109 गुना। सूर्य का सबसे चमकीला सतह क्या है? तो यह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? तो इसे किरीट या करोना कहलाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो यह भाग जो है वह सबसे ज्यादा चमकता है। अंतरिक्ष में तारा मंडल की संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में 88 जो है वह तारा मंडल है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वह हाइड्रा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं? तो इसे जो है वो अभिनव तारा कहा जाता है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण पर जो है अरुण और शुक्र, ये दो ग्रह जो है वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो इसलिए इनपे जो है वो सूर्य जो है वो पश्चिम की ओर ही उगता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है वह चंद्रमा पे स्थित है, क्योंकि यहाँ जो है वह काफी ठंडा होता है। रात के समय इसका तापमान -180 डिग्री जो है वह हो जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट जो है वह सूर्य है, और सूर्य के निकटतम जो है वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्थित है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय क्या कहलाता होता है? तो 27.3 दिन जो है वह चंद्रमा को पृथ्वी के परिक्रमा में समय लगता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है कितना? तो 29.5 वर्ष में। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो सबसे जो नजदीक का तारा होता है उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय जो है वह 4.2 वर्ष होता है। शुद्ध ग्रह कहाँ स्थित है? तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वह सेरस है। हेली पुच्छल तारा दिखता है कब? तो 76 वर्ष के बाद दिखता है, और 2062 में जो है यह पुनः दिखेगा। चंद्र ग्रहण होता है कब? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है वह आ जाती है, उस स्थिति में जो है वह चंद्र ग्रहण होता है। वहीं सूर्य ग्रहण में जो है चंद्रमा जो है वह बीच में आ जाता है। तारे का रंग सूचक किसका होता है? तो तारे का रंग जो है वह उसके तापमान का सूचक होता है। तारे के रंग से तारे के रंग देख करके उसके अंदर की ऊर्जा पता की जा सकती है कि तारा जो है वह धीरे धीरे अगर तापमान उसमें कम होता है तो वह तारा जो है वह जल्द ही जो है वह समाप्त होने लगता है। इसी के साथ यह वीडियो जो है हमारा सौरमंडल समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।